तुम लोग दुशासन के परिवार से हो क्या? जब देखो लड़कियों के पीछे पड़े रहते हो। लड़कियों के पीछे जाकर कितने लोग धूल चाट चुके हैं वो जानने के बावजूद भी धूल चाटने के लिए आते रहते हो। बताओ किससे मारूं मैं तुम्हें? देखो इस वक्त मेरा फाइट करने का मूड नहीं है। मेरी आंखें बंद करके खोलने से पहले मेरी आंखों के सामने से दफा हो जाओ। मेरी आंखें खुलने के बाद भी अगर मुझे यहां दिखाई दिए तो शिव की तीसरी आंख खुलने पर जिस तरह सब भस्म हो जाता है वैसे मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। मैंने आंखें बंद की थी मुझे मारने के लिए नहीं बल्कि तुम लोग अपनी जान बचा लो। इसलिए तुम लोगों को ही अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है तो मेरा भी कोई माफ करने का इरादा नहीं। नमो वेंकटेशा नमो त्रिमलेशा। मेरा ध्यान रखना मेरे प्रभु गोविंदा गोविंदा गोविंदा। मेरे प्रभु दुनिया में सिर्फ आप ही हैं जिससे मैं इतना प्रेम करता हूँ। मेरी सदैव रक्षा करना प्रभु। कौन है ये सुंदरी जो इतने स्पीड से जा रही है? अगर इसी स्पीड से दौड़ती रही तो 24 घंटे के अंदर पूरी दुनिया का चक्कर लगा लेगी। ये भाग नहीं रही है, उसे लोग भगा रहे हैं। स्वामी गोविंदा। टैक्सी। मुसीबत के वक्त
अलग अलग रूपों में आके कैसे भी करके बचा लेते हैं। अब मैं अलग गेटअप में आके उन शैतानों की हड्डी पसली तोड़ दूंगा। उसके बाद लड़की अगर मुझ पे आ गिरी तो बैटरी चार्ज हो जाएगी मेरी। कहाँ जाना है? अभी तो यही था, कहाँ गया? लापता हो गया क्या? टक्कर फाइट करना फिल्म में देखा है मैंने। मल्टी पावर वाला रियल हीरो पहली बार देख रही हूँ आज। मैं एक प्रेस रिपोर्टर हूँ, सच्चाई को दुनिया तक लाने के लिए मेरे इस प्रोफेशन में इस तरह का जान का खतरा होना तो कॉमन है। एनीवेज, आई एम सोनू एंड योर नेम प्लीज? आई एम करण। नाइस टू मीट यू। ओह, थैंक्स अ लॉट। बाय। आहा, आंख बंद करके खोलने से पहले ही आप गायब हो गए और यहाँ पहुँचने से पहले फाइट फिनिश भी कर दिया। आप कोई मामूली इंसान नहीं है, मामूली इंसान नहीं है। जब किसी लड़की पे अत्याचार होता है तो समाज के सारे लोग खड़े होके देखते हैं, लेकिन आप उनमें से नहीं हो, प्रूफ कर दिया। आप जैसे हीमैन को इस दौर में देख के बहुत खुशी हुई। इसी खुशी में तुम्हें कहाँ जाना ये मुझे बता दो, फ्री में ड्रॉप कर दूंगा। नया शहर, नए लोग, नया। ओ, समझ गया, मैं सब समझ गया। आप यहाँ पे नए हो, यू डोंट वरी, आई एम देयर। आपको एक रूम चाहिए, उसकी मैं व्यवस्था कर दूंगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप मेरे साथ तब तक रह सकते हैं। वो अरे अरे, संकोच की जरूरत नहीं है, मैं अभी तक पूरी तरह से बैचलर हूँ। शर्माना छोड़िए, चलिए गाड़ी में बैठिए। अरे खून, फर्स्ट एड काटना होगा, मतलब फर्स्ट एड करना होगा। जल्दी हो, जल्दी हो, गाड़ी में बैठो। यही है मेरी हवेली, कोई नौकर नहीं, कोई चाकर नहीं, वन एंड ओनली किंग मैं हूँ। आओ, और बहुत कुछ दिखाना बाकी है। ये है मेरे जन्मदाता, जन्म तो दे दिया लेकिन सेवा करने का मौका नहीं दिया, फोटो फ्रेम में फिक्स हो गए। आप मुझे बहुत शरीफ इंसान लगते हैं,
ये पकड़ो, दूरदर्शन देखना, मैं आता हूँ, जरा अपना काम खत्म कर लूँ। जो घटना घटती है उसे हम जनता के सामने लाने की कोशिश करते हैं। ऐसे पापियों को पब्लिक के बीच में मार देना चाहिए। इंस्पेक्टर अशोक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वरना और कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो जाती। ही इज द रियल पब्लिक हीरो। हाँ दीदी, तुमने हीरो कहा तब मुझे याद आया, आज मैं एक रियल हीरो से मिली थी। आपको पता है आज मुझ पर 5 से 6 लोगों ने हमला कर दिया था, तब क्रिस की स्टाइल में जैकी चैन के जैसे आकर ब्रूस ली जैसे फाइट करके मुझे बचा लिया उसने। उसकी फाइट देखकर मैं तो फ्लैट ही हो गई थी। उसके दिए हुए एक पंच से सामने वाले के बॉडी पार्ट्स पंचर हो गए। उसके दिए हुए एक एक किक से वो लोफ लोग फुटबॉल की तरह हवा में उड़ने लगे थे। उसका स्टाइल, उसका लुक, वाह दीदी तुम कुछ भी बोलो, वो एक हीरो ही है। हीरो हो तो ऐसा। क्यों हीरोइन, लगता है हीरो को देखकर हीरोइन फिदा हो गई है। दिल में कुछ समथिंग समथिंग। क्या समथिंग समथिंग? कुछ कुछ होता है। ए शैतान चुप रह, इस उम्र में बड़ों के जैसे बात करी है, जाकर पढ़ाई कर। मैं पढ़ाई ही कर रही थी, मैथमेटिक्स के हिसाब लाख कोशिश करने के बाद भी मेरी समझ में नहीं आ रहे, इसलिए मैं यहाँ तुमसे पूछने आ गई। गणित? मैं भूल गई, दूध चूल्हे पर रखकर आई हूँ। अरे अरे अरे, सच में भूल गई मैं, इसका क्या है तू देख ले। मैथ्स देख ले जरा इसका। अरे गुरुजी, तारीफ क्या करूं, आप तो प्यार के देवता जैसे हैं। कितने बड़े बड़े हीरो हीरोइन आपसे बाइक दे दो, कार दे दो, आपके पास मांगने आते हैं, लेकिन मैं जब से टैक्सी लिया है, हीरोइन को तो छोड़ो, गलती से कीड़ा भी उड़ता हुआ नहीं आया गुरुजी। कौन है ये प्यारी तितली, लगता है आसमान से उतर के आई है। देखने में एकदम मक्खन जैसी है, एक बार छू लेगी तो मलेरिया का बुखार भी उतर जाएगा। मेरे प्यार की तितली, कहीं पंख फड़फड़ा के उड़ न जाए, इसे अपने दिल के अंदर छुपा के रख लूंगा। एक्सक्यूज मी, अपना मुंह बंद कर दो, वरना बिल समझकर कीड़े मकोड़े अपने पूंछ हिलाते हुए मुंह में घुस जाएंगे। दूध की देरी तक चलोगे क्या? अरे आप कहोगे तो मैं स्वर्ग भी चला जाऊंगा। क्यों? भौरे के मिलने से जैसे फूल खिल जाता है, आपके मिलने से मेरी दुनिया स्वर्ग हो जाएगी, इसलिए। मैं इतनी खूबसूरत हूँ क्या? अरे आपको बनाने वाले वो सृष्टि रचयिता ब्रह्मा, अगर इस दुनिया में आके फिर से आपको देख ले तो पक्का वो अपनी पत्नी को डिवोर्स दे देंगे। आप तो मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, आपकी खूबसूरती देख के अपने आप शब्द बाहर निकल रहे हैं। सच में आप बहुत ही मजाकिया इंसान है, जान सकती हूँ कि आपका नाम क्या है? मनचला। कितना प्यारा नाम है, आप सच में बहुत इंटरेस्टिंग आदमी हैं। आपके मुंह से तारीफ सुन के लग रहा है मैं हवाओं में उड़ रहा हूँ। जर्नी करना मुझे बहुत पसंद है, कई दिनों से लॉन्ग ड्राइव पर जाने की सोच रही थी, पर कैसे जाऊँ, मुझे ड्राइविंग ही नहीं आती। मुझे आती है ना, व्हाई डू यू वरी, एक ही दिन में तुम्हें ड्राइविंग सिखा दूंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस? चलो बैठ जाओ। अरे गुरुजी आपको मान गया, आप बहुत सुपर फास्ट है, वरदान मांगा और झोली भर दी, इसीलिए तो आपको प्रेम के देवता कहते हैं। आपने चांस दिया तो इसे मिस नहीं करूंगा, आज इसे प्यार का पाठ सिखा दूंगा। मनचला। यस मिसेस मनचला। गियर है, गियर के बाद हाय। आपका मेमोरी कार्ड वीक है क्या? कल सुपरमैन की तरह फाइट करके मेरी जान बचाई और आज आप कह रहे हैं कि कौन है? क्यों इतनी जल्दी भूल गए क्या? बस का वेट कर रहे हैं। जी हाँ आइए ना, मैं ड्रॉप कर देती हूँ।
बस में बहुत रश होता है ना, ट्रैवल करने में परेशानी होगी। मैं कार में क्यों परेशानी उठा रहे हैं, मैं सेफली ड्रॉप कर दूंगी। देखिए, ये जिंदगी ही एक ट्रैवल है, इस ट्रैवल में रश एंड रिस्क तो आता रहता है, जाता रहता है। उसे फेस करेंगे तभी हमें अच्छा थ्रिल मिलता है। आई वॉन्ट थ्रिल्स इन माई लाइफ। बिना थ्रिल के मेरे हिसाब से जो लाइफ है वो लाइफ ही नहीं है। तुम क्यों हंस रहे हो? वो क्या है ना, हलवा खिलाने वाले के ही मुंह में हलवा गिरे तो कोई क्या करे, हंसू नहीं तो क्या करूं। वो क्या है ना कि तुम दिखती ही कुछ ऐसी हो कि छोकरे से लेकर बूढ़े तक खिल उठते हैं। जैसे अक्सर मैं तुम्हें ड्रॉप करते रहता हूँ और कहाँ वो ऐसे ही चला गया। सच में वो कोई आवारा नहीं, 24 कैरेट गोल्ड है। देख लेना, एक दिन वो गोल्ड मेरी बगल में इस गाड़ी में जरूर बैठेगा और मैं ऐसा करके ही रहूंगी। दिन में भी सपना। देखो, यमराज सड़कों पर हमेशा भाग दौड़ करते रहते हैं, सो रास्ता पार करते समय ध्यान से पार करना चाहिए, स्पेशली तुम्हें। ओके करण, हाँ। जरा भी लेट हो जाता तो पता नहीं बच्ची के साथ क्या हो जाता। करण, तू लोगों की भलाई के लिए ही पैदा हुआ है। थैंक यू माय फ्रेंड। आ बेटा, संभल के चलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आर यू ऑलराइट सर? आई एम परफेक्टली ऑलराइट। ओके सर, मेरा शूट किया हुआ वीडियो आपने देखा? हाँ देखा। कैसा लगा सर? बेकार है। क्यों सर, क्या प्रॉब्लम है? जो तुमने शूट किया वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अगर तुमने उसे सच में टेलीकास्ट करवा दिया तो मेरे सर से मेरा भेजा निकलवा कर वो लोग उसे सबको खिला देंगे, समझी? लगता है तुम उन्हें अच्छी तरह जानती नहीं। आने वाले समय में वो सीएम बनने वाले हैं। उन्हें तुम लड़कियों के साथ जल कीड़ा करते हुए शूट करके ले आई और कहती हो कि उसे टेलीकास्ट कर दो। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? सर, उन्हें जनता ने एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। इस जगह के डेवलपमेंट और गरीब जनता के बारे में ना सोचकर वो लड़कियों के साथ जल कीड़ा कर रहे हैं, ये गलत नहीं है क्या? उसे जनता के सामने में लाने में क्या गलत है? सही और गलत के बारे में सोचने से पहले उससे क्या क्या मुसीबतें आ सकती हैं ये सोचना जरूरी है। अरे अगर उसे टेलीकास्ट करेंगे तो उससे उनका रेपुटेशन खराब होगा, जनता दंगा करेगी और वो पूरी तरह बदनाम हो जाएंगे। और उसके बाद पता है वो क्या करेंगे? वो हम पर चोट खाई हुई नागिन के जैसा हमला करेंगे। इतना ही नहीं, हम पर जहर उगलेंगे। उस जहर से मरने से अच्छा है कि हम उस जहर से बचें और अपनी जिंदगी को बचाने की कोशिश करें। इसी में अकलमंदी है। तुम जवान हो, तुम में जोश है और तुम्हारा जोश ही तुमसे ये सब करवा रहा है। हम जो सोचते हैं वो हमेशा पूरा नहीं होता, ये जिंदगी है। मैं तुम्हारी भलाई के लिए समझा रहा हूँ। डर डर कर लोग मरे जा रहे हैं यहाँ। उन्हें नहीं मारेंगे तो वो हमें मार देंगे, और वो हमें मार देंगे इस डर से कि हम ये शहर छोड़कर भाग जाए। नहीं ना, तो फिर क्यों डरना इस तरह के लोगों से? ऐसे मर मर के जीने से तो अच्छा है कि सच का पर्दाफाश करके एक बार में मर जाए, वही है हिम्मत। और अगर वो नहीं है तो इस तरह से जीवन जीने का क्या मतलब है? छी। डार्लिंग, मेरा ड्राइंग कैसा है? ए, सोना, तुम इन्हें कैसे जानती हो? जानती हूँ, मुसीबत से बचाने वाले अंकल। मुसीबत से बचाने वाला कौन है? लो। हाँ? ये कौन है बेटा? मैं ना आइसक्रीम लेकर रास्ता पार करते समय गिर गई थी, तब मुझे बचाकर मुझे नई जिंदगी देने वाले यही है, इसलिए मैंने इनकी ड्राइंग बना दी। दीदी, उस दिन मैंने कहा था ना एक रियल हीरो को देखा है, वो और कोई नहीं, यही है मुझे उन गुंडों से बचाने वाला। बच्चों, तुम दोनों
मेरी आंखों की जैसी हो। तुम्हें कुछ हो गया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। हाँ। तुम्हें बचाने वाला ये इंसान जहां भी रहे खुश रहे आबाद रहे। सोना, हम दोनों शादी करके स्वर्ग का दरवाजा खटखटाए क्या? इतनी भी क्या जल्दी है? तुम बातों में बहुत माहिर हो, बातों में ही सब कुछ कर लोगे तुम। मेरी सोना, मैं सिर्फ बातों में ही माहिर नहीं हूँ, मेरी जान, अपनी तुम इच्छा तो बताओ, मैं तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करूँगा। तुम जिस तरह मुझे प्यार से सोना सोना कहते हो ना, तो मेरे लिए सोने के गहने भी बनवाओगे ना? इतनी छोटी सी इच्छा, इतनी छोटी सी मांग, तुम्हारे लिए सिर्फ एक सोने की चेन क्या? सिर्फ एक सोने की चेन क्या? ये मंचला अगर चाहे तो सोने का पिंजरा बना के उसमें तुम्हें कैद कर सकता है। बातों से काम नहीं चलेगा, करके दिखाओ तब मानूंगी। मतलब इस मंचले पे तुम्हें शक है क्या? तो फिर ये मेरी बेइज्जती हुई, और जहाँ बेइज्जती होती वहाँ मैं एक पल नहीं रुकता। क्या? मैं जा रहा हूँ, कल फिर आऊंगा, लेकिन खाली हाथ नहीं आऊंगा, गहनों के साथ आऊंगा। गाड़ी हिलती हुई यहीं पर क्यों खड़ी है? मोबिल जाम हो गया है, तुम्हारे पास बैठा था ना तो सोचा कि मोबिल चेंज करूंगा, लेकिन अब चलो अभी ठीक हो गया। इस सिग्नल को भी अभी ही बंद होना था क्या? इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? वो देखो 24 कैरेट गोल्ड भी इंतजार कर रहा है। ओहो, बाइक पर आया है। तुम हार गई, उस आदमी का इस गाड़ी में तुम्हारे पास बैठने का सपना टूट गया। हेलो, भले ही वो मेरी गाड़ी में ना बैठे पर मैं उसकी बाइक में तो बैठ सकती हूँ ना। जस्ट वेट एंड वॉच। प्यारे भाई, इसका फिगर तो देख, कितना बढ़िया मेंटेन किया इसने। इसे देखने के बाद मेरे मन में तो कुछ कुछ होने लगा है यार। ये बात तो सच है कि ये लोग रास्ते पर रहते हैं, जिंदा रहने के लिए और पेट भरने के लिए दो वक्त की रोटी देने वाला कोई हो तो आज ये बच्चे को लेकर रोड पर इस तरह हाथ फैलाती हुई नहीं घूमती। सबक सीख ले। अरे थू है तुम्हारे मनुष्य जन्म पर, तुम जैसों को तो। सॉरी सर, मुझे माफ करो बहन। वाओ, कितनी समझदारी की बात करता है ये। बिल्कुल सही कहा। क्यों टेंशन ले रही हो यार? ये दुनिया गोल है, उसे कहीं भी घूम के जाने दो, उसे लौटकर यहीं आना है। डोंट वरी, वो गोल्ड तुम्हें जरूर मिलेगा। मेरे हिसाब से ना, वो कॉलेज नहीं जाता, सर्विस करता है। उससे जो शादी करेगी वो किस्मत वाली होगी। हाँ, क्यों बार बार उसी की याद सता रही है? तू ही बता। हमेशा शांत रहने वाले मेरे इस प्यारे से मन में उथल पुथल क्यों मची है आज? मुझे लगता है कि कोई मेरे दिल में एंटर कर गया है। बताना ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे मुझे उसकी याद सता रही है, कहीं उसे भी तो मेरी याद नहीं सता रही? हाँ, कंफर्म है, आई लव हिम, आई रियली लव हिम। सोनू, तो
दिस इज टू मच। कैसी थी और क्या हो गई है तू? बता क्या हुआ है तुझे? रोड रोमियो की तरह मेरे पीछे नहीं आया, सीटी भी नहीं बजाई, लव लेटर भी नहीं लिखा, साइलेंट में उसने सिक्सा लगा दिया है। अब क्या करेगी तू? प्यार का रोग लग गया है तुझे, इसका इलाज करने के लिए उसी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। हे भगवान, कुछ ऐसा कर दो कि जल्दी से उस डॉक्टर की मेरी लाइफ में एंट्री हो जाए। प्लीज प्लीज प्लीज, जल्द से जल्द वो मुझे मिल जाए। कुछ ऐसा कर दो भगवान जी, प्लीज। ये प्रसाद लो बेटी, तुम्हारी मनोकामना बहुत जल्द पूरी होगी। भगवान कल्याण करे। मुझे पता है भगवान मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अच्छा सुनो, तुम यहीं पर बैठी रहो, मैं मंदिर की प्रदक्षिणा लगा कर आती हूँ। अरे वाह, मम्मी जब कहती थी मंदिर की प्रदक्षिणा लगाओ तब पैर में दर्द होता था। अब भक्ति कुछ ज्यादा हो गई है ना? ये भक्ति किसके लिए है? सब तेरे अंकल के लिए है। अंकल? कौन से अंकल? हाय, हाउ आर यू? फाइन, आप? आई एम आल्सो फाइन। वैसे क्या मांगा तुमने भगवान से? मांगा कि आप हमेशा खुश रहे। अच्छा? जी हाँ, आपने मुझे उस दिन बचाया था ना, इसलिए आप 100 साल तक खुश रहे, यही मैंने मांगा। थैंक यू सो मच। अब मैं चलूं? बाय बाय। क्या देख रही है? अंकल को। अंकल को? कौन से अंकल को? वही मुसीबत से बचाने वाले। ये तो क्या कह रही है? मैं सच कह रही हूँ दीदी, अंकल आए थे, मेरे माथे को चूमा और अभी वहाँ चले गए। अब अपनी आंखें खोलो। वाओ गुल्लू, मेरा मतलब गोल्ड। ओह माय गॉड, कितना सारा सोना है, ज्वेलरी शॉप से चुरा कर लाए हो क्या? रात दिन खून पसीना बहा के टैक्सी चला के मेहनत की कमाई से तुम्हारे लिए खरीद के लाया हूँ मेरी जान। मंचला, तुम सच में मुझसे कितना प्यार करते हो, ये सारा सोना मेरे लिए है ना? देखो, ये कान की बूंदे, गले का हार, चूड़ियाँ, रिंग, झुमके, ब्रेसलेट सब तुम्हारे लिए है। ये मंगलसूत्र पहनाने के बाद है। ये मंगलसूत्र मुझे कब पहनाओगे तुम? तुम हाँ कहो तो अभी पहना दो, मतलब कल पहना दूंगा। तो फिर ये सारे गहने मैं तुम्हें कल ही पहनाऊंगा। मंचला, ये सारे गहने तो मेरे लिए ही लाए हो ना, तो ये मुझे दे दो ना। मैं कल रेडी होकर ये सारे गहने पहनकर दुल्हन बन के आऊंगी। शादी होते ही हम सपनों की दुनिया में जाकर स्वर्ग का दरवाजा खटखटाएंगे। स्वर्ग का दरवाजा खटखटाने के लिए तुम भी कितनी बेताब हो। सुनो जान, ये लो, रखो इसे तुम। अब बताओ कि हम लोग शादी कहाँ करेंगे? वही जहाँ व्हाइट और रेड टीका लगा कर बैठते हैं। भगवान, मेरे वेंकटरमन स्वामी बैंक। हम कल वेंकटेश भगवान के मंदिर में ही शादी करेंगे। ठीक है, तो अब मैं चलती हूँ जानो, फिर मिलेंगे। हाँ, बाय बाय बाय। संगुपलिंगा की जय। 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 एमएलए साहब की जय। एमएलए साहब की जय। एमएलए साहब की जय। लिंगा है, संगुपलिंगा है, जो भी है, देखो मैं कैसे घूर रहा है, देखो तो। इसके लिए हमें ही क्यों भेजा है? अब सुनो, मेरा बॉडी हिल रहा है, कैमरा तुम संभालो। अरे कुछ नहीं होगा, तुम्हारे फोन पर किसका फोन है? मैं देख लेता हूँ, मैं टॉयलेट से आता हूँ। प्रेस रिपोर्टर सोनू यही है,
फंक्शन खत्म होने के बाद ये मेरे, समझ गए ना? चले गए। तुम लोग दुशासन के परिवार से हो क्या? जब देखो लड़कियों के पीछे पड़े रहते हो। लड़कियों के पीछे जाकर कितने लोग धूल चाट चुके हैं वो जानने के बावजूद भी धूल चाटने के लिए आते रहते हो। बताओ किससे मारूं मैं तुम्हें? देखो इस वक्त मेरा फाइट करने का मूड नहीं है। सो मेरी आंखें बंद करके खोलने से पहले मेरी आंखों के सामने से दफा हो जाओ। मेरी आंखें खुलने के बाद भी अगर मुझे यहां दिखाई दिए तो शिव की तीसरी आंख खुलने पर जिस तरह सब भस्म हो जाता है वैसे मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। मैंने आंखें बंद की थी मुझे मारने के लिए नहीं बल्कि तुम लोग अपनी जान बचा लो इसलिए। तुम लोगों को ही अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है तो मेरा भी कोई माफ करने का इरादा नहीं। खामोशी से मुझे पागल बना दिया है। मुझे पता है कि मेरे बिना तुम्हारी जिंदगी कभी पूरी नहीं हो सकती इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि अपने प्यार का इजहार कर ही दो। मेरा दिल तो नहीं तोड़ोगे ना? आछे! जल्दी आ जा, जल्दी आ जा, आ जा, अरे आ जा। अरे कहाँ गई? आजा आजा आजा। मंचला, मंचला, ए मंचला। मतलब अब तक मैं जो देख रहा था वो सपना था क्या? क्या सपना देख रहा था? तुझे क्या पता कैसा सपना था। फर्स्ट नाइट में मैं और कोकिला दोनों सुहाग के सेज पे कामुकता में हद पार करके स्वर्ग का दरवाजा खटखटाने ही वाले थे। तब तक तू मनु सपना थोबड़ा लेके मेरे सपने में घुस आया और उसे मिट्टी में मिला दिया। मुहूर्त बीता जा रहा है, लड़की अब तक नहीं आई, सोचकर पंडित वहाँ परेशान हो रहा है और तुम लोग यहाँ तमाशा देख रहे हो। क्या कोकिला अभी तक नहीं आई?
उसे एड्रेस सही से बताया नहीं। उसने दो व्हाइट और एक लाल टीका लगा के अपने बैंकी के टेम्पल में शादी करेंगे ऐसा बोली थी। ओ, समझ गया, छोड़ो। सही टीका लगाया है तुम्हारे माथे पर, दो व्हाइट और एक रेड। मतलब तुम दोनों के कहने का मतलब यह है कि मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे धोखा दिया, यही कहना चाहते हो ना? मेरी जान सोने की लड्डू है, सोने की। मेरी गर्लफ्रेंड पर शक कर रहे हो ना? देखते जाओ, मैं तुम सबके सामने से फोन करके पूछता हूँ, तुम भी सुन लो। देखो देखो, मेरी गर्लफ्रेंड का फोन रिंग हो रहा है। तुम लोगों के कहने के मुताबिक अगर उसने मुझे धोखा दिया होता तो अपना फोन स्विच ऑफ कर ली होती। इससे पता चलता है कि मेरी होने वाली कितनी शरीफ है। कट हो गया है, लगता कहीं बिजी है, फिर से ट्राई कर रहा हूँ। आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो इस वक्त स्विच्ड ऑफ है, कृपया कुछ देर बाद दोबारा कोशिश कीजिए। अब समझ में आया ना कि वो लड़की सोना है या छम्मक छल्लो है? तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि वो लड़की आज ही भाग गई। शादी के बाद फर्स्ट नाइट में एस्केप हो जाती तो फिर तेरा क्या हाल होता? वो मुझे छोड़ के चली गई, इसका कम नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। 10 तोले के सोने के गहने लेकर हमारे बैंकी का 3 टीका मुझे ही लगा गई, इसी का गम है, मुझसे जो सहा नहीं जा रहा। समझ नहीं आता क्या करूं, मेरे सारे मेहनत की कमाई पे चूना लगा गई। डोंट वरी, तुम्हारे दुख का इलाज मेरे पास है। अंगूर की बेटी को होठों से लगा लो तो सारे गम ऊपर ऊपर और ऊपर चले जाते हैं। सब कुछ ले लिया ना? हाँ मम्मी। क्या बात है, आज इतनी जल्दी रेडी हो गई? किसी बहुत ही खास इंसान से मिलना है मुझे आज। वो इतना इम्पोर्टेंट है क्या? अरे वेरी इम्पोर्टेंट। ओके मैं जा रही हूँ, बाय। संभल कर जाना। स्कूल वैन भी आ गई। बाय मम्मी। बाय, ठीक से जाना। अंकल आप? हाँ गुड़िया, मैं ही हूँ। ये तुम्हारा घर है? जी हाँ, घर आइए ना अंकल, अपनी मम्मी से आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। गुड़िया वैसे स्कूल का टाइम हो गया है, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं जरूर आऊंगा। भूल नहीं जाओगे ना? नहीं भूलूंगा, मैं जरूर आऊंगा। आओ बैठ जाओ। रुको, आराम से आओ। अंदर आ जाओ। अंकल वो दूसरे अंकल क्यों नहीं आए? वो परमात्मा का चरण छोड़कर अब तक उठे ही नहीं, इसलिए नहीं आए। उनकी भगवान पर इतनी भक्ति है अंकल? हाँ, भगवान के चरणों से जैसे कावेरी निकलकर बहती है उसी तरह शाम होते ही भक्ति उबलकर बहने लगती है। ओ, सुबह सुबह भक्ति का फायदा ज्यादा होता है ना, इसलिए हर कोई सुबह पूजा करता है, रात में कोई पूजा नहीं करता। ही इज ग्रेट अंकल, उनके जैसी आपको भगवान पर भक्ति नहीं है अंकल। मुझे नहीं है। बैड अंकल, भगवान नहीं होते तो ये संसार भी नहीं होता, ऐसा मम्मी कहती है। अगर आपके अंदर भक्ति नहीं है तो आप उस अंकल से कुछ सीखिए। उसके लिए तो मुझे भी एक बार ओपन करना पड़ेगा। क्या कहा? तुम्हारा स्कूल आ गया। ओह, इतने जरूरी काम पर जाते समय ये भी खराब हो गई, जब अभी खराब होना था। अब मैं क्या करूं, उसे जाकर कैसे मिलूंगी, उसे कैसे प्रपोज करूंगी? Thank you so much. क्या हुआ? स्कूटी खराब हो गई। आज मेरी एक खास आदमी के साथ एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। क्या आप मुझे ड्रॉप कर सकते हैं प्लीज? ये गाड़ी तो आप जैसों की सेवा के लिए ही है, आइए। थैंक यू। आपको कहाँ जाना है आपने बताया नहीं। चलते रहिए, मैं बताती हूँ। कितने अजीब बात है ना, जब भी मैं कोई भी प्रॉब्लम में होती हूँ आप मुझे मिल जाते हैं। एक्चुअली सच कहूँ तो आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं। मैं किसी पर कर्ज नहीं छोड़ रहा हूँ, बस अपना फर्ज निभा रहा हूँ। ये तो आपका बड़प्पन है। आज की दुनिया में जहाँ लोग हर एक बात का हिसाब रखते हैं, वहाँ बिना किसी स्वार्थ के आप लोगों की मदद करते हैं। थैंक्स फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स। इतना ही नहीं, एक्शन भी बहुत बढ़िया कर लेते हैं। अगर आप एक्टर बन गए ना
तो बॉलीवुड में ही नहीं हॉलीवुड में भी स्टार बन जाएंगे आप। आप कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रही हैं मेरी। तुझे क्या पता है मेरे दिल में क्या चल रहा है, मैं बेकार में तारीफ नहीं कर रही। क्या कहा आपने? मैं कह रही थी कि आप और लोगों से बिल्कुल अलग हैं। काफी देर से गाड़ी नॉन स्टॉप रनिंग चल रही है, आपको कौन से स्टॉप पर उतरना है आपने बताया नहीं। हाँ वो जो रेस्टोरेंट दिख रहा है ना, वहाँ रोक दीजिए। वहाँ? ओके। चलो चलते हैं। मैं? हाँ तुम ही, एक वीआईपी से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ तुम्हें। देखिए मुझे और भी काम है, मेरा भाड़ा दे दो मैं चलता हूँ। वेटिंग चार्ज जोड़ कर दे दूंगी, चलो आओ। आपने कहा था किसी वीआईपी से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। करवाती हो ना, रुक जाओ। लेकिन यहाँ तो कोई दिख नहीं रहा है, लगता है वो अब तक आए नहीं। आए हैं, यहीं पर हैं। यहाँ? कहाँ है? नजर उठाकर मेरी आंखों से देखो तो आपको दिखाई देगा। ये सब क्या है? प्यार। गलत कर रही हैं आप। नहीं, मेरा दिल इसे सही कह रहा है। आपने मुझ में क्या क्वालिटीज देखी जो आपको मुझसे प्यार हो गया? आपकी इंसानियत, आपके गुण, आपकी हिम्मत, आपकी निस्वार्थ सेवा, इसके अलावा और क्या क्वालिटीज चाहिए बताइए। पैसा चाहिए जी, पैसा। सांस लेने वाली एक हवा को छोड़कर, खाना खाने के लिए, पानी पीने के लिए, रहने के जगह के लिए, पहनने वाले कपड़ों के लिए, सोने के बिस्तर के लिए, यहाँ तक कि पैरों में पहनने वाले चप्पल तक के लिए पैसे चाहिए। देखिए जब पेट में भूख लगती है ना तो वो खाना मांगता है, प्यार नहीं। अगर प्यास लगे तो पीने के लिए पानी मांगता है, प्रेमिका को नहीं। पेट भरने के बाद जो एंटरटेनमेंट करते हैं वही ये प्यार व्यार है। मैं तो एक कटी पतंग की तरह हूँ, मुझ पर विश्वास करके तुम अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। मुझ में और आप में तो जमीन आसमान का अंतर है, और उस अंतर में सीढ़ी लगाना ही बेवकूफी है। किसी गुरु की तरह बहुत अच्छा प्रवचन देते हो तुम। देखो तुम मुझे पागल समझो, बेवकूफ समझो, जो समझना है समझो, पर मैं तुम्हें चाहती हूँ और मैं तुम्हें पाकर ही रहूंगी, समझे। अब चलो चलते हैं। हे जरा एक मिनट रुकिए। आपने क्या समझ के रखा है मुझे? पहनने वाले कपड़ों की तरह मुझे ये चाहिए कहकर सीधे चली जा रही हो? मेरे दिल के आंसर शीट का वैल्यूएशन करके देखो, तब पता चलेगा कि मेरा प्यार कैसा है। मुझे अपने प्यार पर फुल कॉन्फिडेंस है, मुझे अपने प्यार का इजहार करना था वो मैंने कर दिया। चलो चलते हैं। अरे चलो ना। सुनो, दिल की बात कह देने पर इंसान को कितना अच्छा लगता है ना। देखती हूँ तो हंसी आती है। ये बताओ, एक लड़की ने अपनी शर्म छोड़कर तुमसे प्यार का इजहार किया, ये सोचकर कि तुम आई लव यू टू कहोगे, उसे गले लगाकर किस करोगे, पर उसके बजाय तुम प्यार से दूर भाग रहे हो। तुमने कहा ना कि तुम एक कटी पतंग हो और मेरे हाथ नहीं आ पाओगे। समझ लो कि आ गए, उस कटी डोर से मैं अपने आप को बांध लूंगी, उसके बाद देखती हूँ कि तुम मुझसे कितनी दूर भाग सकते हो। कौन है यार, इस वक्त किसका फोन है? Yes. मुझे पता था आप मेरा फोन जरूर पिक करोगे। मुझे ये भी पता है कि आप मुझसे नाराज नहीं हैं, आपको भी मुझसे प्यार है। जैसे राख में दबे हुए अंगार को, उस राख को हटाकर मेरे प्यार की ठंडी हवा के साए में कब लाओगे? आधी रात को फोन करके मैंने तुम्हारी नींद बर्बाद की, इसलिए तुम मुझसे नाराज मत होना। तुम्हें क्या पता तुम्हारी याद में सारी सारी रात सो नहीं पाती। तुमसे बात करने का बहुत मन कर रहा था इसलिए इस वक्त फोन किया। सोच रहे हो कि फोन नंबर कहाँ से मिला ना? मुझे पता था तुम मुझे अपना नंबर नहीं दोगे, इसलिए विजिटिंग कार्ड ले लिया। देखो मैं तुम्हारा केसी रोड के पास वाले पार्क में कल इंतजार करूंगी, तुम आओगे ना? मुझे पता है तुम जरूर आओगे। गुड नाइट। हेलो 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 हेलो। अरे फोन कट हो गया। लड़कियां भी कितने किस्म की होती है, एक ने मुझे सोना हड़पने के लिए प्यार किया
और दूसरी मेरे सोने जैसे दिल को पाने के लिए मुझे प्यार कर रही है। मुझे प्यार करने वाले को देखने के लिए मैं वहाँ जरूर जाऊंगा, मिल के अपने दिल में तुम्हें जगह जरूर दूंगा। एक मुझे छोड़ के गई उस गम में पीरा था, लेकिन अब दूसरी मुझे प्यार का अमृत पिला रही है, तो मैं इसे क्यों पीऊं? आज के बाद से मैं नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा। कोई नहीं है क्या? नहीं पीऊंगा आज के बाद से, मैंने तुझे पीऊंगा ना छूंगा। छोड़ने से पहले ये गूंठी बचा है उसे मैं पी लेता हूँ। अब नहीं पीऊंगा। पार्क में तो बहुत सारी चिड़िया है, इसे मेरी वाली अच्छी, मेरी वाली चिड़िया कौन सी है कैसे पता करूं? हाँ, फोन लगाता हूँ। मुझे पता था कि तुम मुझसे मिलने जरूर आओगे, इसलिए स्पेशली तुम्हारे लिए व्हाइट ड्रेस पे ब्लैक जैकेट पहन कर आई हूँ मैं। व्हाइट ड्रेस ब्लैक कोट, व्हाइट ड्रेस ब्लैक कोट। बिल्कुल मक्खन के जैसी लग रही है यार, मैं इसके लिए एकदम सही हूँ, वो भी मेरे जैसी है। इतनी खूबसूरत लड़की को कौन नहीं चाहेगा। मक्खन दानी, मैं आ रहा हूँ। मक्खन दानी, व्हाइट ड्रेस ब्लैक कोट। लगता है आप काफी देर से मेरा इंतजार कर रही हैं। सॉरी, आपको मैंने इंतजार करवाया। मुझे पता है तुम नाराज हो, सच में बहुत नाराज हो। वैसे तुम गुस्से में बहुत प्यारी लगती हो। अब तक तुम सिंगल ट्रैक पे जर्नी कर रही हो, इस सिंगल बॉडी को ज्वाइन करने के लिए मैं रेडी हूँ। आज तक इसे मैंने बचा के रखा था, आज तुम्हें दे दूंगा। देखो, घूरने और चुप रहने से कुछ नहीं होगा, जो देना वो दे दो। बड़ा जोरदार थप्पड़ था, दिल देने का वादा करके थप्पड़ दे रही हो, क्या ये न्याय है? क्या पानी में फुले हुए मेंढक की तरह हो और तुम्हें मेरा दिल चाहिए? स्टॉप इट, अगर एक थप्पड़ और मारा तो मर जाऊंगा यार। प्यार करने के लिए बुलाया और इतनी बड़ी बेइज्जती, दिस इज टू मच। क्या तुम्हें इस पार्क में मिलने के लिए मैंने बुलाया है? मिडनाइट में, मतलब 9342646422 मेरा नंबर है, और वो विजिटिंग कार्ड वो भी मेरा है। ओ सॉरी सर, सॉरी सर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं किसी और का नंबर समझ बैठी थी सर, मैंने आपकी अच्छी खासी धुलाई कर दी सर, वो नंबर करण का। होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, करण और तुम्हारे बीच कब से? वो बहुत लंबी स्टोरी है सर, मैं शॉर्ट में कह देती हूँ। करण 24 कैरेट गोल्ड है, उसके कैरेक्टर पर मैं फिदा हो गई हूँ सर, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ सर। बहुत बहुत मतलब कितना? मेरे प्यार को और इस धरती को पसंद करेंगे ना सर, तो मेरे प्यार का वेट उससे ज्यादा होगा। मुझे अपनी बहन मानकर उसे किसी तरह कन्विंस कर लीजिए ना सर। नो, भाई बहन, मुँह बोली बहन का रिश्ता जोड़ के मुझे सेंटीमेंट में लॉक कर रही हो? नो, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूँगा। करण बहुत ही इनोसेंट है और तुम बहुत वायलेंट हो, तुम दोनों का अगर कनेक्शन मैंने करवा दिया तो करंट के झटके से करण कोयला बन जाएगा, इसलिए इस काम में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ये आपका आखिरी फैसला है? यस, आखिरी और लास्ट। अच्छा, तो अब सुनो, कल इसी पार्क में इसी टाइम पर करण यहाँ होगा, उसे आना ही पड़ेगा और तुम उसे यहाँ लेकर आओगे, वरना नेक्स्ट डे अपने सुसाइड नोट पर अपनी मौत का जिम्मेदार तुम्हें ठहराकर जान दे दूंगी। एक भाई अपनी बहन के प्यार को नहीं समझ पा रहा तो ऐसी जिंदगी जीने का क्या फायदा, बताओ? मैं फिर से दोहरा रही हूँ, कल इसी पार्क में इसी जगह और इसी वक्त, नहीं तो सुसाइड। हाँ। कल्पना के जैसी डायलॉग देकर चलती बनी मेरे बाप, इसके जाने की स्पीड देख के लगता है कल एक बॉडी का गिरना गारंटी है, उसके बाद मैं जेल में 7 साल गारंटी, अब क्या करूं? अरे यार, वो अपने आप को समझती क्या है, मुझे ब्लैकमेल कर रही है क्या? करने दो, पॉइजन पी रही है तो पीने दो, कल मैं पार्क में नहीं जाऊंगा, जो होता है वो होने दो। अरे यार, पॉइजन पी के परमात्मा के चरणों में गई तो समझो भला टली यार।
लेकिन कहीं वो सुसाइड नोट में हम दोनों का नाम लिख के मरी ना तो समझो हम लोग फंस गए यार। अरे उस बेवकूफ की बातों पर इतना क्यों डर रहे हो? ऐसी लड़कियां इस जिंदगी में बिना आगे पीछे सोचे कुछ कर लेती हैं यार। ये प्यार जो है इस उम्र में कुछ भी करवा लेता है। देखो गुस्सा छोड़ के इससे पहले कि कोई अनहोनी घटना हो थोड़ा शांत मन से सोचो। मैं अपने तजुर्बे की बात करता हूँ, सुनो। एक लड़की एक लड़के के लिए बिना कुछ आगे पीछे सोचे मरने के लिए तैयार हो जाती है, इसका मतलब वो अपनी जान से ज़्यादा उसे चाहती है। प्यार के लिए जिद करने वाली लड़की अपने प्रेमी का साथ कभी नहीं छोड़ेगी। अगर ऐसा वक्त आया तो अपने आप को ही कुछ कर लेगी। ऐसी कैटेगरी की लड़की है ये। हम किसे प्यार करते हैं ये ज़रूरी नहीं, कौन लड़की हमें प्यार करती है ये मायने रखता है। देखो वो तुम पे बहुत विश्वास करती है, अगर तू उसे अपना लेगा तो तेरा नुकसान नहीं होगा, इसलिए कल तू जाके उसे पार्क में मिल। सोनू मरने का अधिकार दिया किसने तुम्हें? मर जाऊंगी, मरना चाहती हूँ, तुम जान देकर क्या साबित करोगी? हार भी अपनी जीत भी अपनी, ये कहावत सुनी नहीं? मरना चाहती है, मरने चली है, मुझे छोड़कर अकेले जान देने का मन भी कैसे होता है तुम्हारा? थोड़ा सा जहर मुझे भी दे दो ना, तुम्हारे साथ मैं भी ये दुनिया छोड़ दूंगा। तुम नहीं रही तो मैं अकेला यहां रहकर क्या करूंगा? I love you so much. चाय चाय चाय। क्यों मैडम, मरते समय भी ड्रीम देख रही हो? मुझे यहाँ आए आधा घंटा हो चुका है लेकिन आधी बोतल भी खाली नहीं हुई। क्यों, मौत से डर लगता है क्या? डर? और मुझे? No way. मैंने मरने का प्लान पोस्टपोन कर दिया है। वो क्यों? कॉन्फिडेंस। देखो अगर मैं मर गई तो तुमसे प्यार कैसे करूंगी? आगे जन्म होगा या नहीं इसकी क्या गारंटी है? इसी जन्म में अपने प्यार को साबित करके तुम्हारे साथ रहकर सत्याग्रह करूंगी मैं। सत्याग्रह? सत्याग्रह करोगी तो इंसाफ तो मिल सकता है लेकिन प्यार नहीं मिलेगा। अगर ऐसा होता तो हर नुक्कड़ पर, हर गली में, हर लड़की के घर के सामने हर लड़का सत्याग्रह करता बैठता, समझी? हाथ में बोतल लेकर या बार में बैठकर अपनी जिंदगी को इस तरह बर्बाद नहीं करता। देखो ये कॉफी पीना तभी अच्छा लगता है जब इसे पीने का दिल करता है, तभी तो टेस्ट आता है। जबरदस्ती पियेंगे तो वो टेस्टलेस हो जाता है। प्यार भी बिल्कुल वैसा ही है। प्यार करने के लिए प्यार करने वाला दिल ही काफी नहीं है, उस प्यार को मानने वाला कलेजा भी चाहिए। अगर उसे मानने वाला दिल अपने आप ही ढूंढते हुए आए तो वो होता है सच्चा प्यार। अगर ऐसा होता तो हर नुक्कड़ पर, हर गली में, हर लड़की के घर के सामने हर लड़का सत्याग्रह करता बैठता, समझी? हाथ में बोतल लेकर या बार में बैठकर अपनी जिंदगी को इस तरह बर्बाद नहीं करता। ये कॉफी पीना तभी अच्छा लगता है जब इसे पीने का दिल करता है, तभी तो टेस्ट आता है। अंकल चलिए घर में चलते हैं। घर में? हाँ तो नेक्स्ट टाइम आऊंगा ऐसा आपने वादा किया था ना, तो आपको आना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। ठीक है गुड़िया, तुम नाराज क्यों होती हो, चलो मैं आता हूँ। ये अंकल, ये है मेरी मम्मी। हाँ याद आया, आइए आइए। चीनू आपकी बहुत तारीफ करती है, दिन भर आपकी तारीफ किए बिना इसे चैन नहीं मिलता, आपको देखकर मुझे अच्छा लगा। हाय डार्लिंग, पता है आज हमारे घर पर एक नए गेस्ट आए हैं। गेस्ट? हाँ वो ना हम दोनों के बहुत करीब हैं। बहुत करीब है? कौन है? बता दूंगी तो मजा खत्म हो जाएगा, हॉल में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, चलो ना। हाँ।
उसे मानने वाला दिल अगर खुद ब खुद ढूंढता हुआ चला आए तो वो है सच्चा प्यार। हाय। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे, मेरी सोच कभी गलत नहीं हो सकती। तुम्हें देखकर इतनी खुशी हो रही है कि ऐसा लग रहा है स्वर्ग धरती पर आ गया है। मैं भी क्या बातें करने लगी, फर्स्ट टाइम तो मेरे घर पर आए हो और ऐसे खड़े खड़े ही बातें कर रही हूँ। जस्ट अ मिनट, ओके? गर्मा गर्म स्पेशल कॉफी बना कर लाती हूँ, फिर बैठ कर आराम से बात करेंगे, ओके? अभी आई। हम दोनों सगी बहने होते हुए भी चेहरे दो मगर जुबान एक ही है। सोनू अक्सर तारीफ करती रहती है, सोनू बच्ची की तरह है, अगर उसे कोई चीज पसंद आ जाती है तो वो जिद पर अट जाती है। तुम्हें वो बहुत पसंद करती है, बुरा मत मानना। हा? ऐसा कुछ नहीं है दीदी। हाँ चिनो, कुछ ना कुछ तो करती ही रहती है। एक मिनट है, तुम बैठो, मैं आती हूँ। हाँ। क्या बात है, किसी जादुई फिल्म की तरह मेरी कॉफी बनाकर लाने तक तुम वहाँ से गायब हो गए थे, ऐसा क्या हो गया? पता है मुझे उस दिन कितना खराब लगा। तुम्हारे घर में मैंने एक फोटो देखी। उस फोटो में जो इंसान है वो कौन है? ओ वो मेरी दीदी के पति हैं, मतलब मेरे जीजा जी। वो देवता जैसे इंसान थे, पता है मेरी दीदी से वो कितना प्यार करते थे, जितना कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ उतना। मम्मी पापा को खोने के बाद मेरे लिए वही सब कुछ थे। इतना ही नहीं, वो मुझे अपनी सगी बेटी की तरह प्यार करते थे। वो जब जिंदा थे तब हालात बिल्कुल ही अलग थे, खुशियाँ हर पल आंगन में नाचती रहती थी, पर पता नहीं किसकी बुरी नजर लग गई, किसी शैतान ने उन्हें मार दिया। उस शैतान की मौत का जिम्मेदार और कोई नहीं, मैं हूँ। मेरे जीजा जी की जान लेने वाले पापी हो तुम। कौन हो तुम? उनसे क्या दुश्मनी थी तुम्हारी? उनकी जान क्यों ली तुमने? मेरी दीदी का सुहाग उजाड़ दिया, एक बच्ची से उसका बाप छीन लिया, मेरी सारी खुशियाँ छीन ली तुमने, क्यों किया ऐसा? भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे, तुम बर्बाद हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे तुम। Shut up! कौन है देवता? तुम्हारा वो जीजा? वो देवता है? देवता का मुखौटा लगाया हुआ शैतान था, वो कोई शरीफ नहीं था, औरों की खुशी छीनने वाला नीच था, वो मनुष्य नहीं था, मनुष्य के रूप में एक जानवर था।
मेरी वजह से वो मारा गया, इसलिए उसे सुनकर तुम्हें रोना आ गया। लेकिन उसकी वजह से कितने लोग आंसुओं के समंदर में डूबे हैं ये तुम जानती हो? अरे वो तो गर्भगृह के भगवान को भी बाहर निकालने वाला पापी था। इस धरती पर जब अन्याय और असत्य तांडव कर रहा था, तब जैसे श्री कृष्ण ने अवतार लिया था, अच्छों के लिए मर्द बनकर, दुष्टों के लिए शेर बनकर, उन्हें जड़ से उखाड़कर, चिता में जलाकर, समाधि बनाने के लिए इस धरती पर पैदा हुए थे मेरे पिताजी नरसिम्हा। स्वतंत्रता लाने वाले गांधी जी ने राम राज्य का सपना देखा था, लेकिन ब्रिटिशर्स ने अपना कब्जा जमाने के बाद हमारे लोगों ने ही हम पर जोर आजमाना शुरू कर दिया। तब गांधी जी का देखा हुआ राम राज्य का सपना सपना बनकर रह गया। उसके बाद रावण राज्य की शुरुआत हुई। कोई किसी को मारने आता है तो उसकी रक्षा करने के लिए भी कोई चाहिए, इसलिए रावण के होते हुए राम का आगमन हुआ। राम ने नरसिम्हा बनकर रावणों का सर काटना शुरू कर दिया। नरसिम्हा, सोचा था जल समाधि लेकर तू जनता से हमेशा के लिए पीछा छुड़ा लेगा, लेकिन तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है और यह विधि का विधान है। लोग सोचेंगे कि उनकी भलाई के लिए नरसिम्हा ने अपनी जान दे दी। ये भुजंगा आज इस नरसिम्हा को मारकर एक नया इतिहास लिखेगा। नरसिम्हा दुष्ट जनों को सजा देने वाला और भलों की रक्षा करने वाला, यही नरसिम्हा का उसूल है। नियम के अनुसार गलती करने वाले को सुधरने का एक मौका जरूर देता हूँ। अगर सुधर गया तो सर पे हाथ रखता हूँ, नहीं सुधरा तो सर काटने वाला परशुराम बन जाता हूँ। सुनो, मौत से मैं नहीं डरता, क्योंकि मौत मुझसे डर के भागता है और तुम मुझे मारने का सपना देख रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारे सुधरने का सपना देख रहा हूँ। देखो, तुम इस तरह जिद पे अड़े रहोगे तो जान भी जा सकती है। मेरी मानो, जिद को छोड़कर लोगों का हमदर्द बनोगे तो तुम्हें उनका प्यार तुम्हें बचा लेगा, और मरने के बाद तुम अपने साथ सबका आशीर्वाद लेकर स्वर्ग में जाओगे। उसी तरह अपनों को आंसू देकर खुशियां छीनोगे तो तुम शैतान बन जाओगे। सोच के देखो, तुम्हें प्यार चाहिए या जान चाहिए? हाँ, राम के चरण छूने से पापों का निवारण होकर पत्थर से फिर से अहिल्या बनी, जैसे उनके सच्चाई से सारे बुरे लोग बुराई छोड़कर चल पड़े थे। कहीं कुछ भी समस्या होती तो वो न्याय के देवता बनकर वहां पहुंच जाते। भाई, भाई, मेरे ऑटो को जला दिया भाई, मुझे रोजी रोटी देने वाले देवता को जला दिया भाई। सुनो भाई, ये लड़की इस लड़के से प्यार करती है और ये इस लड़की से प्यार करता है, लेकिन इन दोनों का प्यार इनके घर वालों को पसंद नहीं था। बदला लेने के लिए इसके घर वालों ने इसके ऑटो को ही जला दिया, ये कौन सा इंसाफ है? मैं एक करोड़पति हूँ और ये मामूली ऑटो ड्राइवर, मेरी बेटी से प्यार करना तो दूर, उसकी तरफ नजर उठाने की इसके औकात नहीं। इसे इसके औकात दिखाने के लिए ही मैंने ये सजा दी। गरीबों की पेट पे लात मारो, तब उन्हें हमारे और अपने बीच का फर्क पता चलता है। महाशय, आपके पास 100 करोड़ रुपया होगा क्या, या 200 करोड़? चलिए मान लेते हैं 500 करोड़ रुपया होगा। वो 500 करोड़
अपने माँ के कोख से आते समय लाए थे क्या? नहीं ना, धरती माँ के गोद में समाते समय वो 500 करोड़ लेके जाओगे क्या? खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। इस दुनिया से जब हम ऊपर जाते हैं तो एक ही चीज ऊपर साथ ले जाते हैं, वो है अपनों से मिला प्यार। इसीलिए प्यार को भगवान का रूप मानते हैं। इसलिए अगर प्यार की बेइज्जती करोगे तो भगवान की बेइज्जती करोगे। आपको ये ऑटो ड्राइवर मामूली इंसान लग रहा है, ये सीधा साधा इंसान है। तुम करोड़पतियों से बेहतर है। तुम भगवान को ढूंढते हुए मंदिर में जाते हो, लेकिन ये ऑटो वाले अपने ऑटो में ही भगवान का रूप देखते हैं। आप अपने सुकून के लिए पूजा दान वगैरह करते हैं, लेकिन ये लोग अपने पैसेंजर की सेवा करके सुकून पाते हैं। सूर्यास्त के बाद जब रात होती है तो सारा संसार सो जाता है। ऐसे वक्त में जब तलवार गोलियां बात करने लगती हैं, तब पैसेंजर को सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाने का साहस अगर कोई दिखाता है तो वो ऑटो ड्राइवर है। और किसी में इतना साहस नहीं है। आपसे कोई रिश्ता ना होते हुए भी अपनी जान पे खेलने वाला ये ऑटो ड्राइवर तुम्हारी बेटी की जिंदगी बनकर आ रहा है। समझो आपकी बेटी किस्मत वाली है। सच कहूं तो ऐसे इंसान का प्यार मिलना पुण्य की बात है। करोड़पति होने के घमंड को दिमाग से निकाल कर सोचो। तुम अपने पैसों के दम पर इनके प्यार को हरा सकते हो, लेकिन प्यार से सारी दुनिया को जीत सकते हो। दौलत का नशा मेरे सर पर चढ़कर बोलने लगा था, आपने उसे नीचे उतार दिया। भाई अब आप ही इन दोनों की शादी करवा दीजिए। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। भाई, ऑटो वालों को हर कोई मामूली इंसान समझता है। आप उन्हें इज्जत देकर इतना ऊंचा उठा रहे हैं, इस तरह आप एक मिसाल कायम कर रहे हैं। मैं चाहता हूं आप ऐसे ही करते रहें, ताकि हम जैसों को जीने की प्रेरणा मिलती रहे। हम आपके सम्मान में एक छोटा सा कार्यक्रम करके आपको सम्मानित करना चाहते हैं। आप कृपा करके वहां पर आ जाइए। देखिए, कर्नाटक के लिए हो या पूरे भारत के लिए, ये हाथ हमेशा आपके साथ है। क्या ये पेपर? तुम्हारी नजर में मामूली पेपर होगा, लेकिन मेरी नजर में एक लड़की का भविष्य है। भविष्य बनाने के लिए सिर्फ सर्टिफिकेट ही काफी नहीं होता, सूटकेस भरकर नोटों की गड्डी चाहिए। मतलब वो लोग इतनी मेहनत से पढ़ लिख के सर्टिफिकेट पाए हैं, उसकी कोई कीमत नहीं। पानी में गिरा तो गल जाएगा, आग में गिरा तो जल जाएगा। अरे ऐसे सर्टिफिकेट किस काम के? जेब में अगर पैसा हो तो ऐसे लाखों सर्टिफिकेट्स खरीदे जा सकते हैं। पहले ये बताओ, इस तरह के और कितने सर्टिफिकेट्स क्रिएट किए हो? इसका कोई हिसाब नहीं है। तुम पहले सूटकेस इधर लाओ, कॉलेज में भले ही मत आओ लेकिन सर्टिफिकेट्स तुम तक पहुंच जाएंगे। ऐसे ऊंचे और अच्छे पद पर बैठकर दौलत की पुजारी जैसी बात कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने आप पर? hey! Hey! सिम्हा, नरसिम्हा, आवाज निकालोगे तो जान से जाओगे। बच्चों का भविष्य बनाकर देश को उन्नति की ओर ले जाने वाले तुम लोग लालच में अंधे होकर बच्चों के भविष्य को अंधकार में धकेल कर उनकी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो। आप लोग हैवान हो। जो पैसे फेंकता है उसे आप लोग मेडिकल सर्टिफिकेट देते हैं। रैंक लेने वाले गरीब बच्चों का क्या होगा? विद्या गरीब का खजाना है। वो दौलत गरीब बच्चों को नहीं मिला तो वो लोग कहाँ जाएंगे? जो एसी रूम में बैठकर पढ़ाई करते थे, विदेश में जाकर गुलामी कर रहे हैं। दिए के नीचे पढ़ाई करने वाला आज देश का उद्धार कर रहा है और इस देश पर राज कर रहा है। जो लोग बाहर है, अगर आज वो लोग अंदर आ गए तो तुम्हारे जिस्म की जान बाहर निकल आएगी। ये कॉलेज है, विद्या और ज्ञान का मंदिर, इसे शमशान मत बनाओ। चलता हूं। हाँ, डॉक्टर अब पेशेंट कैसा है? शी इज परफेक्टली ऑल राइट। अगर सही टाइम पर ब्लड का अरेंजमेंट नहीं हुआ होता तो इसकी जिंदगी को खतरा था। वो आपकी बेटी है क्या? नहीं, मैंने पेपर में उसके बारे में पढ़ा था। बड़ा अफसोस हुआ। ना इंसाफी होने की वजह से वो मौत के मुंह में जा रही थी, इसलिए उसकी तकलीफ में मैं खड़ा हुआ। रियली यू आर ग्रेट सर। कहते हैं बुरे वक्त में भगवान किसी भी रूप में आ जाते हैं।
वो मैं आज अपनी आंखों से देख रहा हूँ। ऐसे कितने ही पेशेंट हैं जो सही ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से मर जाते हैं। पेशेंट आते तो जिंदा हैं, लेकिन जाते हैं लाश बनकर। उन्हें भी आप जैसा कोई हमदर्द मिल जाए तो उनके जीवन में भी आशा ज्योति जल सकती है। जो मौत के इंतजार में है उन्हें नई जिंदगी मिल सकती है। डॉक्टर, ये आप क्या कह रहे हैं? आप मेरे साथ आइए प्लीज। ये सारे लोग जिंदा लाश की तरह हैं, इनका कोई सहारा नहीं। ये ब्रेन ट्यूमर का पेशेंट है। बीमारी बढ़ने से पहले ही अगर इसे ट्रीटमेंट मिल जाता तो ये ठीक हो सकता था, लेकिन आज इसकी बीमारी बढ़कर जानलेवा हो चुकी है। अब इसे कितना भी अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाए तब भी ये सिर्फ कुछ ही दिनों का ही मेहमान है। डॉक्टर, हम कुछ भी नहीं कर सकते, इसीलिए ऊपर वाले पर छोड़ दिया है। और ये बेचारा किडनी पेशेंट है, एक एक्सीडेंट में इसकी किडनी खराब हो गई, दूसरी किडनी भी डैमेज हो चुकी है। ऑपरेशन से ठीक हो सकता है लेकिन हमारे यहाँ वो फैसिलिटी नहीं है। ये हार्ट पेशेंट है, इतनी नादान उम्र में ऊपर वाले ने इसे कैसी सजा दी है। इस बच्चे के दिल में एक छोटा सा छेद है, उसे ऑपरेशन करके ठीक किया जा सकता है लेकिन उसके लिए हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है। ऐसी ही किसी न किसी बीमारी से यहाँ हर कोई मौत से लड़ रहा है। जब हम किसी चीज का डिमांड करते हैं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का हवाला दिया जाता है, इन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज करवाने के लिए कहा जाता है। ऐसे कितने ही पेशेंट यहाँ पर अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं सर। देखिए हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल का क्या हाल है, आज ये गया कल कोई और जाएगा, परसों कोई दूसरा, इसी तरह हर रोज कोई ना कोई मरता है। ऐसी बीमारी किसी को भी ना हो। आप क्या कह रहे हैं? आपने सोच समझ कर फैसला लिया है ना? अच्छी तरह से सोचने के बाद मैंने ये फैसला लिया है। नहीं, देखिए किसी की जिंदगी में रोशनी लाना अच्छी बात है, पर दूसरों की मदद करके खुद सड़क पर आ जाएं ये अच्छी बात नहीं है। वो कहानी तो आपने सुनी होगी, राजा हरिश्चंद्र सबको त्याग करने के बाद शमशान गए थे, आपकी भी वैसी हालत ना हो जाए। हरिश्चंद्र शमशान पहुंचे इसलिए वो अजर अमर हो गए। मैं ये फैसला कर चुका हूँ, पीछे हटने का सवाल ही नहीं है। देखिए हॉस्पिटल बनाना कोई खेल नहीं है, आपको पता है उसमें कितना खर्चा आएगा? पता है, इसलिए मेरी जमीन ही नहीं मेरी सारी संपत्ति बेचने के लिए तैयार हूँ, ये मैं डिसाइड कर चुका हूँ। आप सब कुछ बेच डालेंगे तो रहेंगे कहाँ? सारे कर्नाटक के लोग मेरे अपने हैं तो फिर मुझे जमीन की क्या जरूरत है? देखो जब हम मर जाते हैं तो अपने साथ कुछ भी नहीं ले जाते, हमारी धन दौलत भी हमारी नहीं रहती, हमारे साथ जाने वाली दौलत सिर्फ एक है और वो है हमारी जनता का प्यार। उनका प्यार ही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। देखो कल जो गरीब हमारे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए आएगा उसे सही ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, रोते हुए चेहरे पर हंसी आनी चाहिए, तभी मैं हॉस्पिटल बनाने के काम को सफल मानूंगा। ये डॉक्यूमेंट्स ले जाकर डेवलपर को दे दो, वहां से जो पैसा मिलेगा उसे ले जाकर बैंक में डाल दो। तो आपने फैसला सब कुछ सोच कर लिया है? ये नरसिम्हा एक बार जो फैसला कर लेता है उसे बदलने का सवाल ही नहीं है। इस नरसिम्हा की नजर में हार और मौत दोनों एक समान है। एक बार फैसला कर लिया तो कर लिया, जो कहा है वो कर। ठीक है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हमारे सर यहाँ पर 5-स्टार होटल बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। किसके बाप का समझकर ये प्लानिंग कर रहे हो? अरे अपने ही बाप का समझ लो। हाँ, ए, दिखाना, इस कागज पर साइन करके दे दो, उसके बाद ये सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। वैसे मैं तुमसे ये मुफ्त में छीन कर नहीं ले रहा, पैसा देकर ले रहा हूँ। देखो मैं इस जगह पर गरीबों के लिए एक हॉस्पिटल बनाने की सोच रहा हूँ, इसलिए अपना पैसा अपने पास रखो और इज्जत से यहां से चले जाओ। जानते हो मैं कौन हूं? कालिंगा। कालिंगा जिस जगह पर पैर रखता है वहां से पीछे नहीं हटता है। जानते हो मैं कौन हूं? नरसिम्हा। इस शेर की जमीन पर जो पैर रखता है उसे भगाए बिना चुप नहीं रहता। हे,
पूरी की पूरी गवर्नमेंट मेरी जेब में है, मुझसे मत टकरा। उस गवर्नमेंट को सेलेक्ट करने वाले जनता का प्यार मेरे साथ है, इस जमीन से पीछे हट जाओ। मुझसे पंगा लेकर तुम यहाँ हॉस्पिटल नहीं बना सकते। मुझसे टकराओगे तो तुम्हारी समाधि बना दूंगा। मैं यहाँ का सबसे बड़ा डॉन हूँ, मेरा नाम सुनते ही ये पूरा स्टेट हिलने लगता है। ए, पागल जैसी बात मत करो, तुम्हारी रक्षा करने के लिए तुम्हारे पीछे 6 लोग हैं, लेकिन मेरी रक्षा करने के लिए मेरे पीछे कितने लोग हैं ये तुम्हें पता है क्या? ज्यादा फेंक मत भाई, सच में अगर तू हिम्मत वाला और जिगर वाला है तो पहले मेरे लड़कों से लड़कर दिखा, उसके बाद ये सारी प्रॉपर्टी तेरी हो जाएगी। तुम्हारे लड़कों के साथ तुम भी आ जाओ, इस शेर को कौन छूता है ये भी मैं देखता हूँ। ये शेर पंजा फैलाकर जब मारता है तो पंचर बनाने की भी हिम्मत नहीं होती किसी में। चलो जाओ। हे, मार डालो इसे। कलिंगा को हाथ लगाया, ये कलिंगा ये एक सांप के जैसा है, तुझे डसे बिना नहीं छोड़ेगा। उस सांप का जहर पीने वाला श्री कृष्ण हूं मैं। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थ सिद्धये शुभम कल्याणं भवतु। ओम स्वस्तिन इंद्रो वृद्धश्वराः स्वस्तिन पूषा विश्ववेदाः स्वस्तिन अस्त्राक्षरयो अरिष्टनेमि स्वस्तिन बृहस्पतिर्दधातु। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःख भाग् भवेत्। भैया विष्कंठ बैंक में पैसा भरने गया था, वहां से वो लापता हो गया है, उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। हेलो, कालिंगा, मैं भी देखता हूँ तू जमीन पर हॉस्पिटल कैसे बनाता है। अरे तेरी सारी जमीन जायदाद तो तेरे हाथों से चली गई, जो पैसे तू हॉस्पिटल में लगाने वाला था वो सारे के सारे पैसे मेरे पास आ गए। सोचा था समझाने पर तू समझ जाएगा, नहीं समझा, इसीलिए मैंने विष्कंठ को अपना ढाल बनाया। वो तेरा दुश्मन है और दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त। उस दिन मेरे पापा वहां गए, फिर वहां से वो जिंदा नहीं लौटे, उनका सपना अधूरा ही रह गया। सॉरी, सच्चाई जाने बिना मैंने तुम्हें क्या कुछ नहीं कहा, मुझे माफ कर दो। टीले के अंदर सांप होगा ये सोचकर हम उस पर दूध चढ़ाते हैं, लेकिन किसी किसी टीले में जहरीले कीड़े मकोड़े होते हैं ये हमें पता नहीं होता। सच कह रही हूँ, तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है कि वो तुम्हारे पिता थे। उनके खून से जन्म लेने वाला ऐसा नसीब मेरा नहीं है। माँ बाप को खोने के बाद मैं रास्ते पर आवारा भटक रहा था, तब उन्होंने ही मुझे पाला, जन्म देने वाले माँ बाप से भी बढ़कर प्यार किया, अपने हाथों से खाना खिलाया। भले ही उन्होंने मुझे जन्म नहीं दिया है, फिर भी वो मेरे पिता हैं।
मेरी पढ़ाई अच्छी हो इसलिए हायर स्टडीज के लिए उन्होंने मुझे फॉरेन भेजा। मैंने अच्छी तरह से पढ़ाई करके गोल्ड मेडल लेने के बाद उनके चरणों में मैं वापस खुशी खुशी लौट आया, लेकिन गोल्ड मेडल स्वीकार करने के लिए वो जिंदा नहीं थे। उनकी मौत की खबर सुनकर, उनकी मौत स्वाभाविक नहीं बल्कि हत्या है ऐसा लगा। उनकी हत्या के राज को सुलझाकर मुझे उन्हें न्याय दिलाना है, उनकी आत्मा को शांति दिलानी है, यही सोचकर मैं उनके रास्ते पर चल रहा हूँ। उनकी मौत का जिम्मेदार तुम्हारा जीजा विषकंठा भी था। मैं उन्हें मारना नहीं चाहता था बल्कि उन्हें पकड़कर राज जानना चाहता था। उसी चक्कर में हादसा हो गया। अब अगर कोई बचा है तो वो सिर्फ कलिंगा बचा है। इस वक्त वो कौन से बिल में छुपा है वही मैं ढूंढ रहा हूँ। अगर वो मिल जाए तो उसकी खाल उधेड़ कर उसे जिंदा काट दूंगा। मेरे पिताजी को मारने की असल वजह क्या थी यह मैं उसके मुंह से ही उगलवाऊंगा। तुम्हारे इस धर्म युद्ध में मैं तुम्हारा साथ दूंगी, आखिर तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी भले ही मौत आ जाए। अरे ये कैमरा सिर्फ नाम के लिए मेरे पास है, बोलने वाले को अकल तो है नहीं। कंट्रोवर्सी सब्जेक्ट के लिए सब कुछ शूट करके लाने के बाद भी टेलीकास्ट करके टीआरपी बटोरने को छोड़कर इस सड़े हुए रोड को शूट करने के काम पर लगा दिया है। इसे टेलीकास्ट करोगे तो कॉर्पोरेशन वाले टेंडर पास कर देंगे क्या? अकल कहले। वाह 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 वाह, ये कौन है यार? इस सड़ी हुई रास्ते में चलने वाली हंस रानी हो आप। वाह 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 वाह, क्या स्ट्रक्चर है आपका, ब्रह्मा का सच्चे मन से बनाया हुआ मास्टरपीस के जैसी हो। सच में आपको देखा तो शॉक लगने जैसा हुआ। कहीं छू लिया तो ट्रांसफॉर्मर ही जल जाएगा। सच कहूँ तो आप खुद अपने आप को मंचलों की रानी बनने के लिए मेंटेन करके रखी हो। सुपर्ब, आज तक ये वो टूटा फूटा शूट करने वाला ये कैमरा। ओहो, कैमरा हाथ में लिया है और बातें चटनी जैसी। तुझे क्या पता मैं तेरी चटनी में कितनी मिर्ची घोलने वाली हूँ। आप क्या सोच रही हो, आपकी आंखों की खूबसूरती को देखकर मैं ऐसा दीवाना हुआ हूँ? मैं तुम्हारे साथ करके ही रहूंगा सिनेमा। उस सिनेमा की आप हीरोइन रहोगी। मैं और हीरोइन? आप ऐसा क्यों बोल रही हो, आप में किस बात की कमी है? आप में कोई कमी नहीं है। कैटरीना का फेस, ऐश्वर्या की आंखें, दीपिका का नाक, विपाशा के लिप्स, सनी लियोनी का कलर, नमिता का स्ट्रक्चर, एक हीरोइन में इससे ज्यादा और क्या होना चाहिए? आप मेरी फिल्म के लिए फिक्स। फिल्म में काम करने के लिए कहते हैं बहुत कुछ सीखना पड़ता है ना। कुछ लोगों के अंदर भगवान पहले से छिपे होते हैं। अगर भगवान चाहे तो उस भगवान की दया से आप सैंडलवुड का मशहूर सुपरस्टार बनोगी। चलो अशोका होटल के रूम नंबर 6 में जाके आपका कैरेक्टर फिक्स कर लेते हैं। वैसे आपने अपना नाम नहीं बताया। चंचला। चंचला कितना अच्छा नाम है। आपका नाम सुनते ही मन चंचल होने लगा है, आपको देखकर मन में हलचल होने लगी है। क्या मतलब? नहीं मतलब आपका नाम बहुत अच्छा है। चले क्या? टैक्सी। कहाँ जाना है सर? ए भाई, अशोका होटल चलोगे क्या? अगर भाड़ा मिले तो हम भगवान के पास भी जाने को तैयार रहते हैं। अशोका होटल कौन सी चीज है सर, बैठ जाइए। लगता है आधा पागल है। चंचला आओ बैठो। मैं इस सड़ेली टैक्सी में नहीं जाऊंगी। हाँ। दूसरी टैक्सी में चले। क्या सड़ेला? हाँ। टैक्सी? ए मेरी बेइज्जती करती हो तो ओके, लेकिन मेरी टैक्सी की बेइज्जती कर रही हो? ए तू जरा अपना चेहरा दिखा तो, कौन सी बड़ी पीन एरिया बैठे तू, मैं भी देखता हूँ। तुम इन्हें जानते हो? जानते हो? क्या बताऊं सर, प्यार से शादी करके स्वर्ग का दरवाजा खटखटाएंगे, क्या दस्तों लेके सोने का चूना लगा के भाग गई थी सर। नहीं नहीं, ये कौन है मैं जानती भी नहीं हूँ, इसे पहली बार देख रही हूँ मैं। क्या कहा? पहली बार? ए गोद में बैठा के तुझे ड्राइविंग सिखाई थी, भूल गई? कपड़ों को तो छोड़ो, मेकअप का सामान भी मैं ही लेके आया था। भाई तू तो गया। हेलो एक्सक्यूज मी, लगता है तुम हमें कंफ्यूज कर रहे हो। एक जैसे इस संसार में सात लोग होते हैं, पता है ना? हाँ, तुम्हारा नाम चंचला है ना? अरे सर ये चंचला नहीं है सर, मुझे लगता था ये सिर्फ लोगों को बदलती है। आज पता चला कि ये नाम भी बदलती है। इसका नाम चंचला नहीं, कोकिला है। चंचला है, कोकिला जो भी है, काला पीला। ए चंचला, लगता है ये आदमी पागल है, हम लोग दूसरा टैक्सी लेते हैं। सच कह रहे हो, किसी ने धोखा देकर इसे पागल कर दिया। चल चल ए, अब तू मुझे पहचानने से भी इनकार कर रही है, मक्कार दुष्ट धोखेबाज। चलो चंचला, चलो ना। ए जा रही हो क्या? जाओ जाओ, मुझे तो सिर्फ सोना लूट के छोड़ दिया, तेरा क्या होगा मालूम नहीं। तुझे अभी पता नहीं है प्यारे, तूने एक उड़ता हुआ तीर लिया है, इसके ऊपर तो थूकना भी बेस्ट है।
करण की नजरों से छिपकर वो कलिंगा कहाँ छिपा होगा? Yes, you're right. यही है वो कलिंगा। ये किस बिल में छुपा है इसका पता लगाकर बीन बजाई जाए तो किसी भी पाताल में हो ये बाहर निकल आएगा। जा रहता है शायद पूछे कि मुझे पता है। अच्छा, इसका मतलब तो 100% वो वही होगा। बात करता हूं। वो कौन है रे? ऐ, कौन है रे तू? और मेरे घर के दरवाजे को तोड़कर अंदर आने की हिम्मत कैसे की? अभी अभी पैदा हुए छिपकली के जैसा दिखाई दे रहा है। आखिर तू है कौन? यमराज। क्या कहा? यमराज? लगता है इसका ऊपरी हिस्सा बिल्कुल खाली है। तुम लोग इसे यमलोक जाने का रास्ता दिखा दो। नरसिम्हा, तू नरसिम्हा है? नरसिम्हा? हाँ, उसे नरसिम्हा का बेटा। बता, क्या बिगाड़ा था मेरे पिताजी ने तेरा? क्यों मारा तुम लोगों ने उन्हें? Come on, speak out! नहीं नहीं नहीं, बताता हूँ। मेरे और तुम्हारे पिताजी के बीच एक प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा हुआ था। तुम्हारे पिताजी ने मेरे ऊपर हाथ उठाया, सबके सामने मेरी बेइज्जती की, मुझे जलील किया। अपनी बेइज्जती का बदला मैं तुम्हारे पिताजी से हर हाल में लेना चाहता था।
और ऐसे ही वक्त में उनका खास दोस्त विष्कंठ बैंक में पैसा भरने के लिए जा रहा था और मैं उससे रास्ते पर मिला। मैंने उसके दिल को बदल दिया, फिर वो स्वार्थी बन गया। उस हॉस्पिटल को बनाने के लिए जो भूमि पूजन हो रहा था वो आधे में ही रुक गया। उसी खुशी में जब मैं और विष्कंठ बैठकर बातें कर रहे थे, हॉस्पिटल बनाएगा हॉस्पिटल, वो भी इस कलिंगा से दुश्मनी लेकर, देखता हूँ कैसे बनाएगा। वो कहते हैं ना, रात में अपनी मुर्गी को दान दे दिया और सुबह उठकर उन्हें खाने वालों को दौड़ाने लगे, ऐसी है इनकी कहानी। अब ये अपनी सारी जमीन जायदाद बेचकर हॉस्पिटल बनवा रहे हैं जिसमें इलाज होगा गरीबों का, उससे क्या फायदा? वही तो मैं भी नहीं समझ पा रहा। सच में? अरे उससे हमारा पेट भरेगा क्या? अब वो गरीब पैदा हुए हैं तो उसमें हमारी क्या गलती? ये उनके कर्मों का फल है। अब ये महाशय पुण्यात्मा बनकर अपनी सारी दौलत उनके लिए लगा। अरे ये क्या बेवकूफी है? वही तो मैं भी कह रहा हूँ, बुद्धि घास चल रही है इनकी। क्या सच? ये खुद तो रोड पर आएंगे, साथ में मुझे भी रोड पर ला देंगे। और नहीं तो क्या? लेकिन सही वक्त पर आप मेरे लिए देवता बनकर आए और आपने मुझे बचा लिया। मेरा पूरा पैसा सेफ है, आई एम वेरी हैप्पी। अब शाबाश, तुमने भगवान को खुश करने का काम किया। अरे पापियो, तुम लोगों को ये दुर्बुद्धि आई कहाँ से? देवता जैसे इंसान को शैतान बनाकर उन्हें दुख पहुंचा रहे हो। तुम्हारा हश्र बुरा होगा। दौलत की लालच में इसने बहुत सारे पाप किए हैं, तुझे कीड़े पड़ेंगे। अपनी बीवी तक को इसने बलि चढ़ा दिया। अब कोई बचा है तो सिर्फ मेरा ये बेटा। ये हर बीमारी से पीड़ित होकर जिंदगी और मौत के बीच में ये बेचारा झूल रहा है। इतना सब कुछ हो गया फिर भी तुझे काफी नहीं? अरे जब तेरी मौत होगी ना तो तुझे नर्क भी हासिल नहीं होगा, शैतान बनकर भटकता रहेगा तू। देखो भले ही तुम किसी का भला मत करो लेकिन किसी का बुरा भी मत करो। ये पैसा उस पुण्य आत्मा ने हॉस्पिटल बनाने के लिए रखा है, इससे तुम्हारे बेटे जैसे एक दो नहीं हजारों बीमार बच्चों की जिंदगी बनेगी, उन्हें खुशियाँ मिलेगी। कम से कम अब सब कुछ छोड़कर अपनी गलतियों को मानकर कुछ अच्छा करो, तभी तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का कुछ भला हो पाएगा। यहाँ पर कोई नहीं है लेकिन मैं जानता हूँ वो कहाँ मिलेंगे, वहीं पर चलते हैं। आओ बैठो। इस शेर की नजर में हार और मौत एक ही समान है। भगवान, हॉस्पिटल बनाने की प्रेरणा आपने ही मुझे दी है और आज मेरे हाथों को बांध कर रखने वाले आप ही हैं। क्यों, मुझसे ऐसा कौन सा गुनाह हो गया? मैं हॉस्पिटल बना रहा हूँ ये सोचकर वो कितने उत्साहित थे, मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? विष्कंठ दुश्मन नहीं बना होता तो वो मेरी दौलत नहीं हड़पता। वो मेरा दोस्त था, जान से भी प्यारा। आज उस दोस्त पर हाथ उठाने का दिल कर रहा है, इस हाथ ने दुश्मनों का खून बहाया है। दोस्त उसे मिलने वाले इस हाथ को आंसू पोछने की जगह तलवार उठाने का दिल कर रहा है। विश्वास को भगवान कहते हैं, विश्वास करने वाले को दोस्त कहते हैं। ऐसे दोस्त को तुम मुझसे छीनोगे तो मैं किस पर विश्वास करूंगा? वो सिर्फ मेरा पैसा छीनकर नहीं गया, दुखी लोगों के चेहरे पर हंसी लाने वाला सपना लेकर मैं एक हॉस्पिटल बनाने चला था। मैं अपना सब कुछ त्याग कर मैं अपनी जान देने जा रहा हूं। ये दिन देवी के गर्भगृह के जैसा है, बिना भगवान का गर्भगृह का कोई मोल नहीं।
यहाँ पर तो बहुत भीड़ है, लगता है इन लोगों को हमारी शैतानी खेल का पता चल गया। हमारी भलाई इसी में है कि हम कुछ दिनों के लिए यहाँ से गायब हो जाएं। हमारी बदकिस्मती, हमें उनके पैरों पर गिरकर अपने पापों का प्रायश्चित करने का मौका तक नहीं मिला। उस वक्त वहां पर जो भीड़ थी उसे देखकर वहां जाने की हमारी हिम्मत नहीं हुई, हम चुपचाप वहां से निकल गए। यही है पूरी कहानी। फिर उसी दिन से मैंने अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करने के लिए उनके सारे पैसों को संभाल कर रखा। तुम इसे ले जाओ और उनके सपनों को साकार करो, ताकि ये सब देखकर उनकी आत्मा को मुक्ति मिल जाए। उनके ही जैसे तुम भी बड़े दिलवाले हो, ये मुझे पता नहीं था। गलती हो गई, मुझे माफ कर दो।